वेलकम बैक ऑल योर स्टूडेंट्स। तो आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेशन शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट इसमें जो चैप्टर हम करेंगे आज वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो इसका डिटेल एनसीईआरटी वीडियो ट्यूटोरियल आपको लिंक सेंड कर दिया था मैंने, और आई होप आपने बाकी के वीडियो सारे देख लिए होंगे और कम्प्लीटली अंडरस्टूड कर लिया होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सके। मेंबरशिप ज्वाइन करिए ताकि एक्सक्लूसिव ऑफ़र आप चैनल के ज्वाइन कर सकें और आपको और बेनिफिट हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN1 रिएक्शन। SN1 एंड SN2 दो रिएक्शन होती हैं, सब्सिट्यूशन, न्यूक्लियर सब्सिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलर एंड वाई मोलर। यूनिमोलर SN1 होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन होगी, इसमें दिया हुआ है सी ऑप्शन। SN1 जो रिएक्शन है इसमें क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन के ऊपर भी ऑलरेडी आपको मैं वीडियो दे चुका हूँ, और मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन जितना होगा उतना इसमें जो रिएक्शन SN1 होगी, ठीक है जी। तो इसमें जो कार्बोकेटाइन ये बन रहा है आपका अराइल, C6H5 बेंजाइल है ये। तो इसमें क्या है, दो फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं और R इसमें है, ठीक है ना, R इफेक्ट वाला एंड मिथाइल ग्रुप है। एंड प्लस जो इसका इफेक्ट है वो डिमिनिश करता है पॉजिटिव चार्ज एंड मेक इट स्टेबल। यानी पॉजिटिव इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन, इसका इंडक्टिव इफेक्ट होता है एक माइनस आई और प्लस आई। जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो इस वजह से ये स्टेबिलिटी अटेन कर रहा है ज़्यादा, तो इसलिए सबसे ज़्यादा रिएक्शन यही देगा। तो इसलिए इजीली इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल बन सकता है, अटैक हो सकता है रिएजेंट का। सेकेंड, विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। अब इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, इसमें आप ऑप्शन बी ए को क्लिक करिए। ये मोस्ट रिएक्टिव है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के लिए। रीज़न क्या है इसका, क्योंकि इसमें जो CH3 मिथाइल ग्रुप है इसका प्लस आई इफेक्ट होता है आपको पता है, एंड OH जो ग्रुप है इसका रेजोनेंसिंग इफेक्ट होता है, विच इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे बनी रहती है। दिस मेक मोस्ट ससेप्टिबल टू इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाले। तो इसके ऊपर काफ़ी इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे आपको, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट से और रेजोनेंट इफेक्ट OH का होने से। तो इसलिए इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल आराम से लग सकता है। आगे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा नहीं है, सी में थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें आएगा सी, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। हाइड्रोनियम आयन है, प्लस चार्ज है इसके ऊपर, और इसको ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। फोर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्फॉर्मर ऑफ इथाइल ग्लाइकोल इज मोस्ट स्टेबल। इथाइल ग्लाइकोल के कन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर हैं, मोस्ट स्टेबल कौन सा है इसमें, ये है फोर स्ट्रक्चर। इसमें जो कन्फॉर्मेशन डी दी है जो सबसे स्टेबल है, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इसमें क्या होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इससे हो जाती है, ठीक है। IUPAC नेम बताना अपने क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका IUPAC नेम कैसे निकालोगे आप, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से है वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करो, इससे आएगा 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है इसलिए ये पेंटा आएगा, ठीक है जी। 3 पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड है ईन आएगा, और 1 पोजीशन के ऊपर आइन आएगा, तो ये आएगा पेंट 3-1-9, तो ये आता है। आई होप आपको पूरे रूल्स क्लियर हो चुके होंगे इसके वीडियो से। 6, कंसिडरिंग द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम फाइंड आउट द मॉलिकुलर अमंग द फॉलोइंग विच इज लीनियर। इनमें से लीनियर मॉलिक्यूल कौन सा है ऑन द बेसिस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। इसमें बी ऑप्शन जो है आपको लीनियर बता रहा है। क्यों कारण है सी का, क्योंकि इसमें देखिए बी ऑप्शन है, सॉरी
इसमें अगर sp3 हाइब्रिड कार्बन की बात करें तो बॉन्ड एंगल इसमें 109.28 डिग्री होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। sp2 में 120 होता है और sp में 180 होता है, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp होने से इसमें जो एंगल होगा 180 होगा और इस वजह से ये लीनियर होगा, ठीक है। बाकियों में आपके ट्रिपल भी है, डबल भी है, डबल बॉन्ड से आपका एंगल 120 बन रहा है तो इसलिए लीनियर नहीं होगा। तो इसमें सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए ये लीनियर माना जाएगा। 7 IUPAC नेम इसका आपने बताना है, 7th क्वेश्चन का ये है 4-ethyl-3-propyl-hex-1-ene, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपने नंबरिंग यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करनी है, डबल बॉन्ड से 1, फिर आ जाए यहाँ पे 2, फिर आ गया 3, उसके बाद 4, 5, 6, ये आपने लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करनी है, ठीक है जी। 4 जो ग्रुप नंबर है यहाँ पे, इसके यहाँ पे आपको इथाइल मिल रहा है, 3 नंबर के ऊपर आपको प्रोपाइल मिल रहा है, ये प्रोपाइल ग्रुप है इधर, ये इथाइल है, ठीक है, हेक्स बन रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये आएगा ए सही है। 8 इन दुमास मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.35 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या देता है हमें, 55 ml ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड एट 300 केल्विन टेम्परेचर और 715 मिलीमीटर प्रेशर। सो परसेंटेज कंपोजिशन नाइट्रोजन की इन द कंपाउंड वुड बी, इसमें क्या परसेंटेज कंपोजिशन इसकी होगी। तो इसमें आपने गैस इक्वेशन का यूज़ करना है, P1B1/T1, P2B2/T2, सो ऐसे आएगा P1B1/T1, P2B2/T2। ये मैं क्वेश्चन नंबर 8 आपको करवा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, फुल पार्टिसिपेशन आप डियर स्टूडेंट्स करिया करिया, आप साथ में इनके आंसर देने की ज़रूरत आपको है, ठीक है जी। अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तभी साइलेंट लिसनर मत बनिए, साथ में सॉल्व करिए और आपको जैसा भी समझ आ रहा है उसको कोशिश करिए। तो मैं आपको हिंट भी साथ में दे रहा हूँ, तो हिंट मेरा सॉल्व करने से पहले आपका आंसर आना चाहिए, तो इससे आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन पता चलती है। सो इसमें आपका जो B1 है वो है 55, B1 आपका है 55, B2 आपने निकालना है और P1 आपका जो आएगा 715 से 15 निकाल देना है, 700 आएगा, और आपका जो P2 है वो 760 है, ठीक है। T1 300 केल्विन है और T2 है 273 केल्विन स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर, ये आपको पता चल गया 760 स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर होता है, ठीक है, इसलिए आपका P2 760 आ गया, ये आपने मान के चलना है। जो इसका P2 के अकॉर्डिंग T2 आएगा वो आएगा, T1 तो आपका दिया है 300 T1 है, T2 आपका आएगा 273 केल्विन, 273 केल्विन स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। तो सारी वैल्यूज़ आपको बता दी हैं, अभी आप इसमें पुट करिए और सॉल्व करिए, तो ये आपने सॉल्व करके मुझे बताना है। तो आपका जो यहाँ पे आंसर आएगा उसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो ये आपका बनेगा यहाँ पे 16.45। इसका आपने मुझे करके बताना है, पूरा हिंट आपको दे दिया मैंने। 9 कल भी मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल दिए थे लाइव सेशन में, तो किसी ने अभी तक उसका आंसर नहीं दिया, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप एक्टिवली पार्टिसिपेशन अपनी इंक्रीज़ करिए तभी आपको इसका ज़्यादा बेनिफिट होगा। 9 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ईजली जाता है ए, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है NO2, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्ट कर देता है। 10 IUPAC नेम इसका बताना है, तो आपको मैं बता चुका हूँ रूल्स, तो किसी भी शंका की जरूरत नहीं आ जाएगा। ट्रांस 2-क्लोरो-3-आइडो-2-पेंट-ईन, ये आपने सॉल्व कर लेना है, आई होप आप खुद कर सकते हो। 11 रिएक्शंस दी हुई हैं, 2 मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इसमें कौन सा है, SN1 है SN2 है, इसमें है SN2 पहली, दोनों ही SN2 रिएक्शंस हैं, क्यों है ये इसका आप देखिए।
क्वेश्चन नंबर 11, अगर SN1 रिएक्शन होगी तो यहाँ पे कार्बोकोटाइन बनेगा एंड रीअरेंजमेंट होगी, तो इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रही, तो दोनों ही ये SN2 हैं, मॉलिक्यूलर रीअरेंज नहीं हो रहा इसमें, ठीक है। तो ये आपका जैसे फर्स्ट आपने इथाइल अल्कोहल लिया तो ये आपका प्रोडक्ट बना, HBr निकला, फिर आपने इसमें इसका आ गया दूसरा कटाइन अनाइन बन गया तो ये निकला, तो SN2 रिएक्शन है ये, कोई रीअरेंज नहीं हो रहा मॉलिक्यूल। 12 अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड वन डैट इज़ द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन, इसमें टॉलिन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ऑप्शन सी, ये भी प्लस आई इफेक्ट की वजह से और इसमें रिएक्टिविटी जो है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन की इंक्रीज करती है, तो एज माइनस आई और एम इफेक्ट इंक्रीज रिएक्टिविटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन डिक्रीज, तो ऑर्डर इसका क्या आएगा, टॉलिन बेंजीन बेंजोइक एसिड नाइट्रोबेंजीन, तो ये टॉलिन जो है इसमें सिर्फ मिथाइल ग्रुप होता है CH3, ठीक है, टॉलिन बन जाता है, तो इसमें प्लस आई इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, तो प्लस आई इफेक्ट सिर्फ है इसमें, इसलिए ये सही आएगा, बाकियों में माइनस आई इफेक्ट भी साथ में चलता है। 13 नॉमनक्लेचर के हिसाब से आपने बताना है इसका सही क्या है, तो नोट अकॉर्डिंगली सही नहीं है, अकॉर्डिंगली जो फर्स्ट सही नहीं है, इसमें दिया है 1-bromoprop-2-ene, नंबरिंग गलत किया है, इसको 1 पोजीशन से डबल बॉन्ड से काउंट करेंगे, इसलिए ये गलत है। 14 विच एसिड डज नॉट एक्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये मैलिक एसिड है, इसमें ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनता, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए 15, रिप्लेसमेंट रिएक्शन बताई हुई है इसमें, ता जो इसमें जो रिएक्शन हो रहा है मोस्ट फेवरेबल इफ एम हैपन टू बी, एम इसमें होगा रूबियम RB, तो ये अच्छे तरीके से रिएक्शन होगी 15, क्योंकि इसमें क्या है जो टर्शियरी हैलाइड हैं वो SN1 रिएक्शन शो करते हैं, दैट इज़ द आयनिक मैकेनिज्म, इसमें जो गिवन रिएक्शन है इसमें नेगेटिव आयन जो है विल अटैक ऑन द कार्बोकोटाइन, सो द ग्रेटर द टेंडेंसी ऑफ आयनाइजेशन ग्रेटर द आयनिक करैक्टर MF बॉन्ड में, सो मोर फेवरेबल विल बी द रिएक्शन, तो मोस्ट आयनिक जो इसमें RBF बॉन्ड बनता है तो ये मोस्ट सूटेबल है, तो इसमें अगर हम RB लेंगे F के साथ M की जगह यहाँ RBF होगा तो ये सूटेबल सबसे अच्छा रिजल्ट देगा। 16 रेडिकल बना है ये और एरोमेटिक है, क्यों, क्योंकि इसमें 6p ऑर्बिटल है और 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये इसका सही है, ऑप्शन सी। 17 आइसोबुटाइल ग्रुप इन एन ऑर्गिन कंपाउंड स्ट्रक्चर, और आइसोबुटाइल स्ट्रक्चर देना है ग्रुप का ऑर्गेनिक कंपाउंड में, क्या बनेगा इसमें, ये आएगा आपका सी ऑप्शन 17, ठीक है जी। उसके बाद आ जाइए 18 के ऊपर, स्ट्रक्चर में इसका आयोपिक नेम आपको दिया है, इसका स्ट्रक्चर आपने बना के देना है, तो इसका सही स्ट्रक्चर आएगा 4, ठीक है। डबल बॉन्ड से आप शुरू करते हैं, यहाँ पे आएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड है वहाँ से आप चलोगे, ठीक है। 19 इन कैजल्ड हल्डाल मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन परसेंटेज इन सॉइल, अमोनिया इवॉल्व्ड फ्रॉम 0.75 ग्राम सैंपल न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ 1 molar सल्फ्यूरिक एसिड, परसेंटेज क्या है नाइट्रोजन की सॉइल में, ये आपने निकाल के बताना है 19 का। ये मेथड जो है कैजल्ड-हल्डाल मेथड जो है स्किन वेरिकल्स काफ़ी आ जाते हैं, तो इसमें रिएक्शंस क्या होगा, फर्स्टली सल्फ्यूरिक एसिड अमोनिया से रिएक्शन करेगा, देखिए साथ में, तो ये आपका बनेगा अमोनियम सल्फेट,
और इसमें 10 ml ऑफ 1 molar सल्फ्यूरिक एसिड लिया, ये आ जाएगा आपका 10 mmol। अमोनिया इसमें कंज्यूम है 20 mmol, क्योंकि 2 मोलिक्यूल यहाँ अमोनिया के लग रहे हैं, 10 था उसमें 20 आएगा। और एसिड यूज इसमें क्या आएगा, 20 - 10 यानी 10 ml ऑफ 2 normal और 1 molar सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें परसेंटेज कैसे निकलेगी, 1.4 एन इंटू बी नॉर्मेलिटी वॉल्यूम से और वेट, 1.4 को आपने एन नंबर ऑफ मोल, 2 normal है, 2 आ गई, वॉल्यूम आपने 10 निकाल लिया, 20 से 10 निकाल दिया, और वेट आपका 0.75 ग्राम दिया हुआ है सैंपल। तो इसको सॉल्व करिएगा, ये आपका आएगा ए ऑप्शन, 19 का आएगा ए। 20 ट्रीटमेंट ऑफ द साइक्लोपेंटोन 1 विद मिथाइल लिथियम, क्या देता है ये देता है आपको साइक्लोपेंटाइल अनाइन, कार्बो अनाइन बनता है सी। 21 टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इसमें कितने हैं, ये हैं 8, 21 का आएगा ऑप्शन डी, क्योंकि देयर आर द 4 double bond एंड नंबर ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन कितने जाते हैं, एक डबल बॉन्ड में 2 होते हैं, ठीक है, पाई ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनते हैं, तो इसमें कितने हैं, 4 है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आंसर आएगा, ये अपना साथ में याद करना, बड़ा ट्रिकी होते हैं ये, देखने में आपको फार्मूला से थोड़ा टफ लगेगा, तो ये ट्रिकी जो आपको मेथड बता रहा हूँ आप दिमाग में रखते जाइए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। 22 विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा पाई बॉन्ड जिनोन टेट्राऑक्साइड में है, 22 ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें क्या है, इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये जिनोन जो है इस तरीके से बनता है, 4 ऑक्सीजन के ऊपर, 4ों के ऊपर ही आपको डबल बॉन्ड मिलेंगे, बराबर ही है सारा स्ट्रक्चर, जितने सिग्मा बॉन्ड है उतने ही पाई है, ठीक है, बाकियों में कईयों में सिग्मा बॉन्ड कम है, कईयों में ज़्यादा है, बैलेंस इसमें ही है। उसके बाद आ जाइए आप, 23 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं 3 आपको, विच कंपाउंड कैन एग्जिबिट टैटोमरिज्म, टैटोमरिज्म किसमें हो सकती है, 23 इसमें जो बी अगर बात करें, इसमें बी का ये है 1, 2, 3 तीनों में है, ठीक है जी, 23 का बी है किनोल कीटो इनोल टैटोमरिज्म, कीटोनोल में जो फर्स्ट है जो इंटरचेंज हो रहा है इसमें, ठीक है, ओ की जगह जहाँ ओ एच आ सकता है, ये अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट हो गए, उसके बाद सेकंड में ओ से एच फिर बन जाता है, थर्ड में भी एच बन जाता है, यानी यहाँ पे एच इसकी ट्रांजिशन से आ जाता है तीनों के ऊपर, ठीक है, ओ एच ग्रुप इनोल अल्कोहल की कन्फर्मेशन ले रहा है ये, और ये स्टेबल रहता है इस तरीके से, इसका जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट कर जाता है, इसका डबल बॉन्ड यहाँ अगर ओ एच आ गया तो 2 double bond यहाँ आ जाएंगे, 1 double bond इधर आएगा, दूसरे मॉलिक्यूल में साथ में एच सी का डबल बॉन्ड आएगा, और इसका जो थर्ड है इसका डबल बॉन्ड यहाँ मर्ज कर जाएगा इधर और इधर, अल्टरनेटिवली आता है, ठीक है जी। सो ये टैटोमरिज्म यहाँ शो होती है। 24 विच ऑफ फॉलोइंग इज़ द मोस्ट करेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट फॉर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, तो इसमें ये सही दी हुई है, फर्स्ट न्यूक्लियोफिल विल अटैक ए स्टेबल कार्बोकैटायन SO1 रिएक्शन, तो स्टेबल बनता है ये, ठीक है जी, स्टेबल सबसे ज़्यादा यही स्ट्रक्चर है। 25 डूमास मेथड में आपको ऑलरेडी ये न्यूमेरिकल आ चुका है, ये आप आई थिंक रिपीटेड ही है, ये पहले भी आपको 25 नंबर क्वेश्चंस कर चुके हैं आप, सेम फार्मूला P1 P1 T1 P2 V2 T2 लगा के आपने निकालना है, 25 आप निकाल के दीजिएगा 16.76% आएगा, ये आपका न्यूमेरिकल है, ये आप सॉल्व करिएगा।
26 कंसीडर द कंपाउंड हाइपर कंजुगेशन किस में होती है। हाइपर कंजुगेशन का भी वीडियो मैंने आपको दिया था, आई होप आपने देख लिया होगा। हाइपर कंजुगेशन होती है ओनली इन कंपाउंड 3 एज इट हैज़ अल्फ़ा हाइड्रोजन। अल्फ़ा हाइड्रोजन इसमें है इसलिए इसमें हाइपर कंजुगेशन है, क्योंकि डायरेक्टली अटैच्ड है, ठीक है ना। डायरेक्टली वो अटैच होता है रिंग के साथ, उसमें अल्फ़ा होते हैं, बाकी सब चीज उनके साथ जुड़ा हुआ है। 27 में देखिए इनोलिक फॉर्म ऑफ इथाइल एसीटो एसीटेट इसमें शो किया हुआ है, इनोल बन रहा है, ठीक है जी, कीटोनोलिक कन्फर्मेशन बन रही है, OH की शिफ्टिंग हो रही है। तो इसमें क्या है, 18 सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। 27 ये ऑप्शन आपका सी आएगा, ठीक है। इसमें आपका अगर आप देखोगे एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, 2 पाई होते हैं, ठीक है, तो बाकी सिंगल को आप काउंट कर लीजिएगा। ये भी आप सॉल्व करके बताइएगा मुझे, इजी क्वेश्चन है। उसके बाद आइए 28, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड जो है कार्बन क्लोराइड बॉन्ड आयोनाइजेशन मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन बनेगा, किसमें? 28 का डी, इसमें मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन बनेगा, क्योंकि इसमें हाइपर कंजुगेशंस है, ठीक है जी, हाइपर कंजुगेशन की वजह से है, क्योंकि इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन अवेलेबल है। 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट फॉर न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल एक ल्यूइस एसिड है, 29 की ये स्टेटमेंट गलत है। न्यूक्लियोफाइल आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, तो इसलिए बेस होता है, ठीक है ना। जो न्यूक्लियोफाइल जो है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, इलेक्ट्रॉन लविंग है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अट्रैक्ट करती है इलेक्ट्रॉन को, वो एसिड की तरह बिहेव करता है, जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है वो बेसिक बिहेव करेगा, इसलिए ये गलत है। 30, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ, इसकी डिहाइड्रेशन करनी है इस रिएजेंट की, तो इसमें क्या नहीं बनता। 30, इसमें फर्स्ट नहीं बनेगा, इसको करके देख लेते हैं। कंपाउंड आपको ये दिया है, एच पॉजिटिव आयन बाहर जाएगा, OH2 आ गया इधर प्लस, अब यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर एच पॉजिटिव बाहर आएगा, ऐसे बन गया, ये बन जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी आपका बनेगा उसके पास अंदर डबल बॉन्ड नहीं होगा, बाहर डबल बॉन्ड होगा, ठीक है जी। तो इसमें इनके पास बाहर डबल बॉन्ड है शिफ्टिंग से, हाइपर कंजुगेशन से, और इसमें है नहीं है, बाहर बाहर होना चाहिए, अंदर नहीं होना चाहिए, तो ये प्रोडक्ट इसमें नहीं बनता इस रिएक्शन में। 31 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बाईफिनाइल इज ऑप्टिकली एक्टिव, कौन सा बाईफिनाइल ऑप्टिकली एक्टिव है। इसमें जो है ऑर्थो सब्सिट्यूटेड बाईफिनाइल ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, क्योंकि इसमें बोथ रिंग आर नॉट इन वन प्लेन एंड देयर मिरर इमेज आर नॉट सुपर इम्पोजिबल, ये एक प्लेन में नहीं है, अलग अलग प्लेन में है, इसका ऐसे आ जाता है, इसका सुपर इम्पोज नहीं होता, नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज बनते हैं, बाकी एक लाइन के साथ जुड़े हैं, एक प्लेन में है, ये बाई प्लेनर है, इसलिए ये सही है। 32, रिएक्शन दी हुई है, 2-3 रिएक्शन है, करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है। ए रिएक्शन एलिमिनेशन है, बी सब्स्टिट्यूशन है, सी एडिशन है,
एडिशन है ऑलरेडी क्लियर हो रहा है, ऐड हो रही है चीज़, इससे कोई दिक्कत नहीं है। सब्सिट्यूशन बी है, इसमें सब्सिट्यूट हो रहा है, ठीक है जी। ओ एच इधर लग गया, इसकी जगह बी आर बाहर निकल गया। एलिमिनेशन रिएक्शन में एलिमिनेट हो रहा है कुछ इससे, तो यहाँ से एलिमिनेट हो गया बी आर, ठीक है जी, ये बाहर निकल रहा है तो इसमें एलिमिनेशन हो रही है, बहुत आसान है ये। 33 लास्ट, इसमें मॉलिक्यूल जो एग्जिबिट करते हैं टोटोमेरिज्म कौन सा है, इसमें ओनली 3 मॉलिक्यूल नंबर हैं 33 का, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन ब्रिज बनता है, कार्बन नेवर पार्टिसिपेशन इन टोटोमेरिज्म, सो जो थर्ड है ये टोटोमेरिज्म एग्जिबिट करता है, क्योंकि इसमें ब्रिज नहीं है, बाकियों में ब्रिज स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इस वजह से ये कीटो इनोल में हो सकता है चेंज। ऐसे देखिए, ये इसकी कीटो फॉर्म है और ये इसकी इनोलिक फॉर्म आ जाएगी, ऐसे यहाँ से शिफ्टिंग होगी इलेक्ट्रॉन की। सो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा काइंडली कमेंट जरूर करिएगा। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन टू यू दिज ऑल 33 इम्पोर्टेंट MCQs, तो कुछ रिपीटेड थे वो आपको मैंने छुड़ा दिए, और 25 क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपका न्यूमेरिकल्स है, और इसमें आपको 27 में सेगमेंट पाई बॉन्ड निकाल के देने, ये भी करना है। बाकी कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में विद अनदर न्यू टॉपिक। सो ऐसे ही चैनल को प्यार करते रहिए ताकि आपको और अच्छा कंटेंट मिल सके। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।